दोस्तों, शहडोल नगर से दुर्गा माता जी की प्रतिमा विसर्जन के लिए निकलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अभी मैं हूँ कॉन्वेंट स्कूल के पास में, यानी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास में, और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सुंदर प्रतिमा माता जी की। और यहाँ पर चलिए मैं नाम देखता हूँ दुर्गा समिति का, वो बतलाता हूँ आपको। तो जी हाँ, महिला नवदुर्गा उत्सव समिति वार्ड नंबर 8 पांडव नगर की यह प्रतिमा है जो विसर्जन के लिए जा रहे हैं, और काफ़ी लोग जो है उत्साह के साथ, खुशी के साथ नाचते गाते माता जी को विदा कर रहे हैं। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि माता जी पुनः अगले वर्ष हमारे बीच पधारेंगी और सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। तो काफ़ी उत्साह है लोगों में, देख ही सकते हैं। यह प्रतिमा जो आप देख रहे हैं बुढ़ार रोड इंदिरा चौराहा शहडोल की है, और कुछ ही क्षणों में यह प्रतिमा भी जो है जो हर्षोल्लास के साथ विसर्जन स्थल के लिए रवाना हो जाएंगी। और देख ही सकते, काफ़ी भव्य एवं सुंदर प्रतिमा है बुढ़ार रोड शहडोल की। और बता दें कि हर वर्ष यहां पर भी जो है दुर्गा उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो हम भी चलते हैं सोन नदी दिया पीपर के पास में और वहाँ का हाल दिखलाते हैं। तो चलिए चलते हैं सोन नदी दिया पीपर। नमस्कार दोस्तों, हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ दिया पीपर यानी कि सोन नदी के घाट में। और पिछली बार मैं आया था यहाँ जब गणेश विसर्जन का समय था, और आज मैं आ गया हूँ दुर्गोत्सव जो होता है विसर्जन। दुर्गा माता जी आज यहाँ विसर्जन के लिए आ रही हैं, एक एक करके क्रमशः बता दूँ। और ये है रीवा शेड्यूल मार्ग है ना, शेड्यूल रीवा रोड है, और यहाँ पर जो है सबसे व्यस्ततम ये रोड कहलाता है, रीवा शेड्यूल रोड जो है। तो आज मैं आपको यहाँ दुर्गा जो अरे कहना क्या चाहते हो, आज मैं आपको यहाँ पर दुर्गा विसर्जन का जो होता है कार्यक्रम वो दिखलाऊंगा, और बतलाऊंगा कि यहाँ कितने कितने दुर्गा माता जी यहाँ पर आ रहे हैं। और बता दूँ कि काफ़ी दूर दूर से ये लोग यहाँ पर आते हैं जो है दुर्गा माता का प्रतिमा को लेकर विसर्जन के लिए। और देखा आपको यहाँ पर दुर्गा विसर्जन का जो होता है कार्यक्रम वो दिखलाऊंगा, और बतलाऊंगा कि यहाँ कितने कितने दुर्गा माता जी यहाँ पर आ रहे हैं। और बता दूँ कि काफ़ी दूर दूर से ये लोग यहाँ पर आते हैं जो है दुर्गा माता का प्रतिमा को लेकर विसर्जन के लिए। और देख सकते हैं ये सोन नदी का पुल है जो कि दिया पीपर के पास पड़ता है, और काफ़ी व्यस्त मार्ग है ये, बता दूँ। और ये देखिए एक ट्रैक्टर भी अभी आ रहा है यहाँ, इसमें भी जो है तो दुर्गा माता जी हैं, और कई लोग सवार हैं ट्रैक्टर में और आगे जाके विसर्जन स्थल पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर पूर्व की तरह प्रशासन ने कई सारी तैयारियाँ कर रखी हैं पहले की तरह, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और चूँकि कल शाम को काफ़ी बारिश हुई थी, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा पानी तो भी नहीं है, लेकिन पानी है, ऐसा हम ये नहीं कह सकते पानी बिल्कुल नहीं है, पानी है। तो चलिए मैं सीधे घाट चलता हूँ और आपको दिखलाता हूँ दुर्गा विसर्जन जो होता है यहाँ का शेड्यूल का। और देख सकते हैं यहाँ पर अभी एक एक करके जो है आते हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो है तो विसर्जन के लिए शामिल हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, हम सीधे विसर्जन घाट पे चलते हैं जहाँ पर विसर्जित होती है माता जी, वहाँ चलते हैं और आपको भी दिखलाते हैं। और यहाँ पर भी अभी भी लाइटिंग व्यवस्था इस बार भी कर दी गई, जैसे कि आपने देखा होगा गणेश विसर्जन के समय आपने देखा होगा लाइटिंग व्यवस्था कर दी गई थी, तो इस बार भी वैसे ही लाइटिंग व्यवस्था वगैरह कर दिया गया। और आगे चलते हैं, संभवतः इस बार भी एक छोटी सी मोटर बोट होनी चाहिए, रबर वाली ट्यूब वाली जो होती है। और पिछले बार मुझे एक चीज़ अच्छा लगा था कि ड्रोन कैमरे से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही थी, तो शायद इस बार भी ऐसे ही कुछ होना चाहिए। और नहीं भी तो शासन प्रशासन के लोग इतने सारे हैं कि व्यवस्थाएँ सुदृढ़ होंगी ही, मैं ऐसा समझता हूँ। और देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है पूर्व की भांति यहाँ पर अभी भी। और इस बार नगर में मुझे लगता है कम से कम 50 अलग अलग स्थानों पर जो है दुर्गा माता जी का स्थापना किया गया था, जो कि आज विसर्जन के लिए आ रहे हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके पहुंच ही रहे हैं यहाँ पर विसर्जन घाट में सोन नदी के पास में। और ये देखिए मैं आपको दिखलाना चाहूँगा,
तो मैं बतलाना चाहूँगा यहाँ पर देख सकते हैं बजरी वगैरह डाल दिया गया है प्रॉपर, क्योंकि कल रात को काफ़ी बारिश हुई थी शाम को, तो किसी प्रकार की मतलब दिक्कत ना हो लोगों को इस वजह से। और हमने भी अपना वाहन उधर दूर ही छोड़ दिया, क्योंकि अभी बड़े बड़े ट्रक वगैरह आएंगे तो यहाँ पे अभी जाम की स्थिति निर्मित हो सकती है, इसलिए हमने दूर पे ही रख दिया अपना वाहन। तो चलिए मैं आपको पास से नज़दीक चल के दिखलाता हूँ और बता दूँ कि न सिर्फ अपने शहडोल नगर से बल्कि आसपास के जो गांव हैं, नरगी है, धुरवार है, हर्री है, और ये सारे लोग जाते हैं सोन नदी में ही, लेकिन वो जाते हैं नवलपुर में ज़्यादातर, है ना। लेकिन जो बड़ी प्रतिमाएं होती वो आते हैं यहाँ दिया पीपर सोन नदी के घाट में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा स्थान सीमित है, लेकिन यहाँ पे बृहद स्तर पे है, जो नदी का बहाव भी काफ़ी तेज़ रहता है, गहराई भी काफ़ी रहती है, इस वजह से। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखलाते हैं, माताजी के दर्शन करवाते हैं। और आ चुकी माताजी, विसर्जित हो जाएंगी। और बता दें कि विसर्जन केवल प्रतिमा का होता है, माताजी तो यथावत हमारे आसपास रहती हैं, सर्वज्ञ हैं माताजी। तो चलिए चलते हैं पास में और ये देख सकते हैं उन्हें सभी लोगों को बतलाया जा रहा है कि कहाँ कैसे ले कर जाना है। और यहाँ पर जो है माइक से जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कैसे जाना कैसे आना है, तो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कहाँ पर पार्किंग करनी है, कहाँ से मूर्ति लेकर आनी है, इस तरह की चीजें। और विसर्जन स्थल के पास में ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पूजन सामग्री रहती है उसके लिए अलग से कुंड बनाया गया, आप नदी में विसर्जन नहीं करेंगे तो ये अच्छा है, कम से कम नदी में प्रदूषण नहीं होगा। काफ़ी अच्छा प्रयास है, काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है ये। तो आइए आते हैं हम आपको यहाँ पर शहडोल नगर में विराजी या शहडोल नगर के आसपास विराजमान दुर्गा माता जी। अरे हाँ भाई, हाँ भाई, तो आप हैं पुरानी बस्ती से जो कि क्या पड़ता है यार, गजब बेइज्जती है। कल्याणपुर रोड में अंडरब्रिज है, अंडरब्रिज के पास में विराजी माता जी है ना, तो आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, हम वहाँ गए थे तो आपको दिखलाए थे। तो चलिए यहाँ पे हम दर्शन करवाते हैं एक बार और। और थोड़ा सा फिसलन वगैरह है, थोड़ा सा इसलिए संभाल के चलने की आवश्यकता है। दुर्गा विसर्जन के रास्ते को खाली रखें, वाहनों को आगे पीछे बढ़ाते समय ध्यान दें, वाहन चालक वाहनों को आगे पीछे करते समय पहले ध्यान से देख लें, उसके बाद वाहनों को आगे। और ये जो प्रतिमा देख रहे हैं सोहागपुर से प्रतिमा आए हैं विसर्जन के लिए, हाँ तो सोहागपुर से आए हुए हैं ये प्रतिमा दुर्गा माता जी का, और विसर्जन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोग। तो मैं आपको बता दूं कि विसर्जन केवल प्रतिमा का होता, माता जी सर्वज्ञ हमेशा हमारे साथ रहती हैं, तो हालांकि भावुक क्षण होता है, 9 दिन तक हम माता की सेवा में रहते हैं और आज के दिन जो है प्रतिमा विसर्जित हो जाती, थोड़ा सा भावुक क्षण जरूर रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, हर वर्ष माता जी विराजमान होंगी, तो माता जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। अपने दुर्गा समिति, कौन से दुर्गा समिति है, पुलिस लाइन स्थित दुर्गा समिति से यहाँ पर आए हुए हैं विसर्जन के लिए, और अभी माता जी का कुछ ही क्षणों में विसर्जन हो जाएगा, तो पुनः माता जी अगले वर्ष विराजेंगे हमारे बीच, कोई उसमें वाली बात नहीं है, तो ठीक है अभी और देखते हैं। जय माता दी, जय माता दी, और बता दूं कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं विसर्जन के लिए। और चूंकि यहां पर आपको मैं दिखला दूं, सारी सामग्री सामने कुंड में विसर्जित कर रही है, उसमें से एक आदमी आ गई है, शहडोल जा रही है, उसमें से एक आदमी आ गई है, नाम पता लिखवा ले, नाम पता लिखवाने के लिए।
यहाँ पर मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, जो भी दुर्गा समिति विसर्जन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ माइक के माध्यम से उद्घोषणा करते हुए उन्हें सूचित किया जा रहा है कि पहले वो आएँ और नाम पता वगैरह लिखवाएँ, उसके बाद जो सुरक्षात्मक तरीके से कुछ ही लोगों को वहाँ तक जाने की इजाज़त दी जाती है विसर्जन घाट तक, और बच्चों को तो बिल्कुल भी अनुमति नहीं यहाँ पर आने के लिए। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा मुझे यहाँ पर। और एक और जो है प्रतिमा माता जी की विसर्जन के लिए पहुंच रही है, और ये प्रतिमा बता दो कि जी हाँ, ये प्रतिमा अंडर ब्रिज के पास जो है पुरानी बस्ती अंडर ब्रिज के पास विराजमान रही। तो अब ये भी प्रतिमा जो विसर्जन के लिए जा रही हैं, और जैसा कि हमने अनुमान लगाया था इस बार भी मोटर बोट का प्रबंध है, और साथ में नदी से इस पार तक जो है रस्सी के माध्यम से बांधा गया, और बीच बीच में जो ट्यूब वगैरह लगाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा ये प्रयास, ज़रूरी भी था ये, क्योंकि इस बार भी देख सकते हैं नदी का प्रवाह काफ़ी तेज है, और देख सकते हैं दुर्गा माता जी का प्रतिमा को लोग अधिक से अधिक संख्या में जो है पहुँच कर विसर्जन स्थल तक लाते हुए। और ये जो प्रतिमा विसर्जन हो रही हैं, ये बता दो कि अंडर ब्रिज पुरानी बस्ती के पास की हैं, वो नदी का एक तट है, आप देख सकते हैं आपके यहाँ लगातार यहाँ पे मूर्ति देवी माता की विसर्जन होकर पहुँच रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस बल मिलकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, और लगातार लोग समझाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं नदी पे ना जाएं। कहाँ ले जा रहे हैं, तो देख सकते हैं जय अम्बे जय दुर्गे उद्घोष के साथ दुर्गा माता जी का विसर्जन हो रहा है, और आ चुकी विजयदशमी भी है, दशहरा का पर्व भी है, और देख सकते हैं कितना तेज पानी चल रहा है, दूर से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, काफ़ी पानी है। मैं बता दूं यहाँ पर बहाव आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और जितने भी वॉलेंटियर्स हैं प्रशासन की ओर से वो सभी जो हैं लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। और देख सकते हैं आप दुर्गा माता जी की प्रतिमाओं का यहाँ आना अभी भी जारी है, और बता दूं कि यह क्रम लगभग रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक भी चल सकता है, क्योंकि काफ़ी संख्या में इस बार दुर्गा माता की स्थापना की गई थी, न सिर्फ शहडोल नगर में बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी। तो अभी आपने देखा जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पर, लेकिन अभी क्रमशः भीड़ बढ़ती जा रही है, और लोग जो है दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पर प्रतिमा विसर्जन के लिए। तो देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, और निर्देश दिए जा रहे हैं कि रास्ता साफ रखें, जहाँ पर विसर्जन होना वहाँ का रास्ता साफ रखें, बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं, और भीड़ नहीं करने के लिए हिदायत दी जा रही है।
तो देख सकते हैं सोन नदी का जो घाट है यहाँ का एक दृश्य है। देखिए जल्दी से जल्दी आप लोग रोटियां गाड़ियां से उतार ले। तो देख सकते हैं काफी भीड़ है यहाँ पर और अभी भी लोग आ रहे हैं क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पर दुर्गा माता जी विराजमान रही हैं। जय माता दी। तो अब हम चलते हैं वापस से शहडोल की ओर और आप यहां पर अभी सोन नदी का घाट देख रहे हैं। काफ़ी यहां पर विहंगम दृश्य है और देख सकते हैं यहां पर कतार लग गई है, इस वजह से हमने वाहन पार्किंग अपनी जो रही वहीं कर ली थी पहले से ही। भाई भीड़ तो आप देख ही रहे हैं कितनी है और ये जो सिलसिला है लगभग रात को 8 बजे तक भी चल सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में है दुर्गा माता जी विराजमान रहे हैं शहडोल नगर में इस वजह से। और न सिर्फ शहडोल नगर में बल्कि मैं आपको बतला दूं आसपास के जो ग्रामीण अंचल हैं जैसे कि सिंहपुर हो गया और भी कई हैं तो वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, खासकर जो प्रतिमाएँ बड़ी प्रतिमाएँ रहती हैं उनके विसर्जन के लिए। तो देख सकते हैं बैंड में काफी अच्छा धुन निकाला जा रहा है तो उनको सुनते हैं। चलिए चलते हैं हम शहडोल की ओर चलते हैं। तो अभी आपने सुना कितनी सुंदर धुन निकाली जा रही है जो लोकल स्थानीय यहाँ के कलाकार ही कहेंगे भाई इतना अच्छा धुन तो कोई भी नहीं निकाल सकता ना ऐसे ही बिना प्रैक्टिस के। और देख सकते हैं एक और ट्रक पहुँच चुका है दुर्गा माता जी की प्रतिमा को लेकर, मैं उनकी जो समिति के सदस्य हैं वो भी आ गए हैं यहाँ पर। भाई दर्शन करिए आप भाई भाई भाई। और एक के बाद यहाँ पर जो है ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं दुर्गा माता जी आए। बिल्कुल बिल्कुल जय काली बिल्कुल 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 भाई। और पिंटू भैया भी आ चुके हैं और आपको याद होगा पिंटू भैया गणेश पूजा के विसर्जन के समय मिले थे सोन नदी के घाट में। चलिए ठीक है जय दुर्गे जय माता दी जय माता दी। बहुत बहुत आपको विजयदशमी दशहरा पर्व की बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों को विजयदशमी दशहरा की जी जी। तो दोस्तों अभी आपने देखा सोन नदी के घाट में कितनी भीड़ थी यहाँ पर विसर्जन स्थल में और एकाध प्रतिमाएं तो हमने विसर्जन होते हुए देखी। और ये बता दूं कि अभी शुरुआत ही है और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे विसर्जन के लिए। तो आप सभी को एक बार पुनः दशहरा एवं विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में और प्रयास करेंगे कि आज रावण दहन का कार्यक्रम है तो वो भी हम आपको जरूर दिखलाएं और हो सकता है वो कल ही मिलेगा वीडियो, आज तो मिल नहीं पाएगा। तो ठीक है बने रहिएगा हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल के साथ और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा और चैनल में नए तो हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।